नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मथुरा में हिंसक संघर्ष के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए जांच के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से ली हालात की जानकारी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को पूर्व कैबिनेट सचिव की धमकी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की दी धमकी। मध्य प्रदेश से बीजेपी को एक और राज्यसभा की सीट मिलने की आस। बेतुल के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ा। बिहार बोर्ड इंटर के आर्ट्स और साइंस के टॉपर आज बदल जाएंगे। वर्तमान टॉपर ने जांच परीक्षा में शामिल होने से किया इनकार। बोर्ड रद्द कर सकता है दोनों के रिजल्ट। और एक घंटे की फ्लाइट का किराया 2500 रुपए करने की योजना। दो सप्ताह के अंदर हो सकता है फैसला। नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति तैयार। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स और साइंस के टॉपर आज बदल जाएंगे। कारण, आर्ट्स टॉपर रूबी के पिता और साइंस टॉपर सौरभ के पिता ने कहा है कि उनके बच्चे जांच परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जांच परीक्षा आज बिहार बोर्ड कार्यालय में होनी है। इसमें आर्ट्स और साइंस के पहले 5 स्थान पर रहे कुल 13 टॉपरों को बुलाया गया है। विशेषज्ञों की कमेटी इनका साक्षात्कार करेगी। इसके लिए 14 शिक्षकों की टीम बनी है। विशेषज्ञ टॉपरों का साक्षात्कार और लिखित परीक्षा लेंगे। कॉपी सामने रखकर उनकी लिखावट का मिलान किया जाएगा। जांच परीक्षा में शामिल नहीं होने पर दोनों टॉपर का रिजल्ट रद्द होना तय है। केंद्र सरकार जल्द ही एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपए तक सीमित कर सकती है। इस किराए में सभी तरह के चार्जेस शामिल होंगे। अगले 2 सप्ताह में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। सरकार के पास नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति आज को भेज दी जाएगी। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि ये पॉलिसी 2 सप्ताह में जारी हो जानी चाहिए। हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज इसे कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। इस पॉलिसी में 22 चीजें शामिल हैं। इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा कर सहमति बनाई है। कोलोराडो में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण स्थल के ऊपर उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायुसेना के विशिष्ट थंडरबर्ड दल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक विमान का चालक विमान से सुरक्षित बाहर निकल आया था और उसकी चिकित्सकीय जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद एयरफोर्स वन के जरिए वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ओबामा ने पीटरसन एयरफोर्स बेस के चालक से मुलाकात की। भारत अपने 49 दिवसीय कैरेबियाई दौरे पर 2 अभ्यास मैच खेलने के बाद 21 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट खेलेगा। भारतीय टीम 6 जुलाई को सेंट किट्स पहुंचेगी और वार्नर पार्क पर 9 जुलाई से 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। स्थान पर 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय अभ्यास मैच भी खेला जाएगा। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जमैका के सबीना पार्क में 30 जुलाई से खेला जाएगा। भारतीय टीम इसके बाद तीसरे टेस्ट के लिए सेंट लूसिया जाएगी, जहां 9 अगस्त से डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में अगला टेस्ट खेला जाएगा। श्रृंखला का अंतिम टेस्ट 18 अगस्त से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। टीम 23 अगस्त को स्वदेश रवाना होगी। मथुरा के जवाहर बाग की बागवानी विभाग की करीब 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस और कब्जेधारियों के लिए बीच हुए भीषण संघर्ष में एसपी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष कुमार की मौत हो गई और 12 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इस हिंसा में 19 उपद्रवियों की भी मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जवाहर बाग को खाली करवा लिया गया है, साथ ही 250 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये एक सरकारी बाग है, जवाहर बाग, जिसको खाली कराया जाना था। ये एक अनाधिकृत रूप से ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड था, उसको खाली कराए जाने का प्रयास था। काफी समय से लोगों को समझाया जा रहा था, बुझाया जा रहा था, नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंस कराया जा रहा था। आज भी एक रैकी पार्टी यहाँ पे पुलिस की थी, जो व्यवस्था देखने आई थी, उनके ऊपर
जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरे उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट जख्मी हुए, और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। और जो लोग जो उग्र हुए थे और जिन्होंने फायर किया था और आगजनी की थी, उन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवालों में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी खतरे में दिख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खड़से पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपने के कुछ घंटों बाद कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। खड़से एक जमीन सौदे में गड़बड़ी के अलावा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से फोन पर कथित बातचीत को लेकर विवादों में घिरे हैं। सूत्रों ने बताया कि सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में खड़से पर लग रहे आरोपों पर शुरुआती जांच रिपोर्ट से उन्हें अवगत करवाया। दादरी के बिसाड़ा गांव के निवासियों ने कथित गोवध को लेकर कल एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। ये शिकायत उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद अखलाक के घर से पाया गया मांस बीफ था। पुलिस के मुताबिक शुरू में अनाम आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने जिन लोगों पर संदेह जताया है कि उनकी संलिप्तता की जांच में पुष्टि होने के बाद नाम जोड़े जाएंगे। इस बीच 6084 के सपनावत गांव के ग्रामीणों ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का पुतला जलाया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगले साल जून तक बांग्लादेश से सटी असम की सीमा पूरी तरह सील कर दी जाए। यह आदेश जारी कर मोदी सरकार ने असम में बीजेपी के सत्ता में आने के महज एक हफ्ते के भीतर पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश से लगी असम की सीमा सील की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ये आदेश जारी किया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई। हालांकि कहां खनन होगा और कहां नहीं होगा, इस पर सरकार ने साफ नीति घोषित नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक घने जंगलों वाले इलाकों को खनन के लिए खोलने की तैयारी हो रही है, जिसे पिछली सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा था। सरकार की चली तो आने वाले दिनों में घने जंगलों और नदियों के आसपास बसे कोयला भंडारों के खनन पर लगी रोक हटा जाएगी। कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा है उसे ये पता चलता है। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मांग की है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर दी गई उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो खुद इसे सार्वजनिक कर देंगे। सुब्रमण्यम नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन थे। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर करीबी 30 थीम्स पर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मशवरा किया। महाराष्ट्र से बीजेपी की लोकसभा सांसद पूनम महाजन 2 दिन पहले भोपाल हवाई अड्डे से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए बिना से भोपाल तक स्पेशल ट्रेन से पहुंची थी, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने बताया कि सांसद पूनम को नियमों के खिलाफ जाकर कोई VIP सुविधा नहीं दी गई है। वास्तव में भोपाल से स्पेशल ट्रेन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के लिए 1 दिन पहले प्रदेश के सागर जिले में भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि एक सैलून और एक ऐसी कोच वाली स्पेशल ट्रेन को वापस भोपाल आना ही था, तो उसमें सवार होकर पूनम भी भोपाल पहुंच गई। इसमें इससे अधिक और कुछ मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक संयोग था। 2 दिन पहले वाराणसी में दलितों और पिछड़ी जाति के सदस्यों के साथ खाना खाकर SP और BSP के निशाने पर आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब स्वाभिमान महासम्मेलन कराने की योजना बना रहे हैं। ये कार्यक्रम पार्टी के अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के लिए होगा। इसे उत्तर प्रदेश के 6 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। कानपुर में 4 जून को बूथ लेवल पर काम करने वाले 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद शाह दलितों से मुलाकात कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत में बीजेपी ने कांग्रेस की राज्यसभा सीट जीतने की उम्मीदों को झटका दिया है। गुरुवार को जारी नतीजों में भाजपा के मंगल सिंह ध्रुवे ने कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उइके को पराजित किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए वकील विवेक तनखा को खड़ा किया है। उसे तनखा की जीत के लिए 58 विधायक चाहिए, लेकिन 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल 57 ही विधायक है। घोड़ा डोंगरी उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भी ताल ठोक दी है। कांग्रेस ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर जोगी की बगावत पर संभल कर बयान दिया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, जोगी हमारे सम्मानित सहयोगी रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें सांसद बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। उनका अलग पार्टी बनाने का ऐलान अफसोसजनक बात है। दरअसल कांग्रेस जोगी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती नजर नहीं आना चाहती थी। पार्टी नहीं चाहती थी कि जोगी को छत्तीसगढ़ में किसी तरह की सहानुभूति मिले। हालांकि पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह, जिनके जोगी से रिश्ते खराब रहे हैं, ने कहा, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को पैसे लेकर बीजेपी को बेच दिया था, उसका चले जाना ही हितकर होगा। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण प्रमुख डायरी कंपनी अमूल ने दिल्ली और गुजरात में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करने की घोषणा की है। बाकी दूध उत्पादक कंपनियां भी इस रास्ते को अपना सकती है। नई कीमत दिल्ली के बाजार में आज से प्रभावी होगी, जबकि अहमदाबाद और सौराष्ट्र के क्षेत्र में 4 जून से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य जिला सहकारी कंपनियां क्रमवार नई कीमतों को पेश करेंगी। उन्होंने कहा कि अमूल महाराष्ट्र में भी कीमतों में वृद्धि करने की तैयारी में है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हत्या कर सुसाइड करने वाले छात्र की पहचान हो गई है। इंजीनियरिंग छात्र की पहचान भारतीय अमेरिकी मैनक सरकार के तौर पर हुई है। आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे सरकार ने आत्महत्या करने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस के एक छोटे कार्यालय में प्रोफेसर विलियम क्लुग की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पता चला कि प्रोफेसर को मारने से पहले उसने अपनी पूर्व पत्नी का भी मर्डर किया और फिर यूनिवर्सिटी पहुंचा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।